Hello students, you have already understood the part 1 of the best Christmas present in the world. Let us begin with the part 2. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful had just happened that I must tell you about at once. ये लेटर कॉनी को लिखा होता है जिम ने, और वो बताते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा हुआ है और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग. ट्रेंचेस लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर हाइड फ्रॉम द एनिमी. ट्रेंचेस एक वो जगह होती है जहाँ पर सोल्जर्स छुपे होते हैं अपने दुश्मनों से. वो बताते हैं कि वो अपने ट्रेंचेस में खड़े थे कल की मॉर्निंग में, क्रिसमस मॉर्निंग, और वो मॉर्निंग क्रिसमस, उस मॉर्निंग में क्रिसमस था. इट वॉज अ क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन. और इतनी अच्छी मॉर्निंग उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी होती है. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज द क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. और वो सुबह बहुत ही ठंडी होती है और जैसे हर क्रिसमस में होता है. I should like to be able to tell you that we begin it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि हमने चालू किया था, but मैं बहुत शर्म से ये बोल रहा हूँ कि Fritz ने begin किया था. Fritz की meaning a name for a German soldier. Fritz एक German soldier को बोला जाता है. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. उनमें से एक soldier देखता है कि वहाँ पर एक white flag wave हो रहा है. Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. But वहाँ से आवाज़ें आ रही होती है Happy Christmas, Tommy. Tommy एक word है जो British soldiers के लिए use होता है. When we had got over surprise, some of us shouted back, same to you, Fritz, same to you. और वो लोग इस साइड से जवाब देते हैं कि same to you, आपको भी. We all did. और दोनों तरफ से एक दूसरे को विश कर रहे होते हैं. But then suddenly one of them was up there in his grey great coat and waving a white flag. फिर अचानक से एक जन आता है जो ग्रे कोट में होता है और वाइट फ्लैग हिला रहा होता है. डोंट शूट लेड्स, समवन शाउटेड. कोई चिल्लाता है कि शूट मत करना. एंड नो वन डिड. और जैसे ही ये आवाज़ आती है तो कोई शूट नहीं करता है. देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर. फिर धीरे धीरे सारे फ्रिट्ज आ रहे होते हैं, मतलब और जर्मन सोल्जर्स आ रहे होते हैं और बोलते हैं कीप्स योर हेड्स डाउन. और ब्रिटिश सोल्जर्स को बोलते हैं कि अपना हेड डाउन कर लो. ये दूसरों को बोलता है कि ये ट्रिक हो सकती है, बट वो थी नहीं. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज. एक जर्मन सोल्जर अपने हेड के ऊपर बॉटल रखता है और वो बोलता है कि टॉमी ये तो क्रिसमस डे है. टॉमी मीन्स सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को वो बोलता है. और वो बताता है कि उनके पास स्नैप्स है जो एक ड्रिंक होती है, और सॉसेज जो एक मीट होता है. वी मीट यू, यस. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन अस. अब ये टाइम ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इस साइड आ रहे होते हैं और किसी के भी हाथ में राइफल नहीं होती है. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. कम ऑन बॉयज, वट आर वी वेटिंग फॉर. सबसे पहले मॉरिस आते हैं जो बोलते हैं कि चलो हम किसका वेट कर रहे हैं. एंड देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज द ऑफिसर. फिर उसके बाद कोई नहीं रुकता, सब जाने लगते हैं. और जो जिम होता है वो ऑफिसर होता है. आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. वो चाहता था कि वो सबको रोक ले, but उन्होंने ऐसा नहीं किया. All along their lines and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats,
मीटिंग इन द मिडल। वो सोल्जर्स बॉर्डर में होते हैं और उनके बीच एक लाइन बनी होती है, वो लाइन क्रॉस करके एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। एक का ग्रे कोट होता है, दूसरे के खाकी कोट्स होते हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। इनके बीच में वॉर होने वाली थी बट यहाँ पे ये लोग पीस मेंटेन कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फर्स्ट ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड। जिम अपनी वाइफ को बताता है कि तुम बिलीव नहीं करोगी कि फ्रिट्स ऑफिसर मेरे पास आए और उन्होंने हाथ बढ़ाया। हैंस वुल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। फ्रिट्स ऑफिसर बताते हैं कि उनका नाम हैंस वुल्फ है। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। वो बताते हैं कि वो डसलडॉर्फ से हैं और वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते हैं। सेलो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बड़ा वायलिन जैसा होता है और उन्होंने क्रिसमस विश किया। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। जिम बताते हैं कि मैं कैप्टन जिम मैकपर्सन हूँ और वो भी उन्हें क्रिसमस विश करते हैं और बताते हैं कि वो स्कूल टीचर हैं डॉरसेट में, जो इंग्लैंड के वेस्ट में है। आ डॉरसेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। हैंस वुल्फ डॉरसेट का नाम सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं ये जगह को जानता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। वी शेयर्ड माय रम रेशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। जिम बताते हैं कि हमने रम पिया और सॉसेज भी खाए। एंड वी टॉक्ड कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। वो बताते हैं कि हमने बहुत बातें की और वो बहुत परफेक्ट इंग्लिश बोलते थे। बट इट टर्नड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड। बट जिम को लगता है कि वुल्फ कभी डॉरसेट आए ही नहीं हैं और ना ही कभी इंग्लैंड भी आए हैं वो। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और वो जितना भी इंग्लैंड के बारे में जानते हैं वो सब उन्होंने स्कूल में ही पढ़ा होगा। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में बुक्स पढ़ के ही उन्होंने जाना होगा। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उनके फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउंड, और उनकी फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउंड थी। सो आउट देयर इन नो मैंस हैंड वी टॉक्ड ऑफ बादशेबा एंड ग्रेबल ओक एंड सर्गिन ट्रॉय एंड डॉरसेट। वो बताते हैं वहाँ बैठे बैठे उन्होंने इन जगहों की बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड अ सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो। हैंस वुल्फ की एक वाइफ है, एक बेटा है जो 6 months पहले ही आया है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। वो देखते हैं कि खाकी यूनिफॉर्म और ग्रे यूनिफॉर्म के लोग मिल गए हैं, साथ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, खा रहे हैं। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। एंड हैंस वुल्फ और जिम कॉनी का भेजा हुआ क्रिसमस केक खा रहे हैं। He thought the marzipan was the best he had ever tasted ever. Marzipan, एक sweet covering on the cake made from sugar, eggs and almonds. Marzipan एक sweet है जो sugar, egg और almond से बनी होती है। Hans Wolf बताते हैं कि इतनी अच्छी मिठाई मैंने आज तक नहीं खाई। I agreed. We agreed about everything and he was my enemy. जिम ने उस बात से अग्री की, सारी बातों पर अग्री की, बट वो उसके एनिमी थे। देर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, बट ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई। देन समवन, आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, बट अचानक से कोई फुटबॉल लेकर आया।
Great coats were dumped in piles to make goal post, and the next thing we knew, it was Tommy against Frist out in the middle of no man's hand. फिर उन्होंने अपने कोट्स उतार दिए और वहाँ पर गोल पोस्ट बनाया. इसके बाद टॉमी और फ्रिट्स के बीच में मैच हुई. हेंसफुल्फ एंड आई लुक्ड आउट ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग. हेंसफुल्फ और जिम दोनों साथ में बैठ के चीयर कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे. देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wife become widows. Hence Wolf बोलते हैं कि मुझे लगता है हमें हमारा झगड़ा यहीं खत्म कर देना चाहिए एक फुटबॉल मैच के साथ. फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरेगा, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा और किसी की भी वाइफ कभी विधवा नहीं होगी. आई वुड प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. जिम उन्हें बोलते हैं कि मैं क्रिकेट प्रिफर करूँगा. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. और फिर हम जीत कर बताएंगे. वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. उस बात पे दोनों हंसने लगते हैं और गेम देखने लगते हैं. Sad to say, Connie, Fritz won 2-1. वो बहुत ही दुखी होते हैं बताते हुए कि फ्रिट्स जीत गए. उन्होंने दो गोल्स की थी और हमने सिर्फ एक. But as Hans Wolf generously said, our goals was whiter than theirs, so it wasn't fair. But Hans Wolf खुद बोलते हैं कि उनका जो गोल था वो चौड़ा था एज कंपेयर टू टॉमी से. द टाइम कम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. धीरे धीरे ये सारी खाने पीने की चीजें खत्म हो गई. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून that the fighting would end and we could all go home. सब धीरे धीरे अपनी जगह पर जाने लगे. जिम ने हैंस को विश किया और उन्हें बोला कि काश हम अपनी फैमिली को जल्दी देख पाएं और ये जो झगड़े हैं वो जल्दी ख़त्म हो पाए ताकि हम सब घर जा पाएं. I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. Jim कहते हैं कि मुझे लगता है सारे सोल्जर यही चाहते हैं दोनों साइड से. हैंड वुल्फ उन्हें भी बोलते हैं कि तुम ध्यान रखना जिम मैकपर्सन और वो मुझे और इस मोमेंट को कभी नहीं भूलेंगे. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly, I felt. वुल्फ उन्हें सैल्यूट करते हैं और धीरे धीरे जा रहे होते हैं बट उन्हें लगता है कि वो जाना नहीं चाहते हैं. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस. और वो वापस उन्हें मुड़कर देखते हैं और फिर से वेव करते हैं और सब अब अपने ट्रेंचेस में जा रहे होते हैं. दैट नाइट बैक इन आर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कारोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली. उस रात सब अपने डगआउट्स में जाते हैं और वो सुनते हैं कि कारोल गाने की आवाज़ें आ रही है. डगआउट इज अ शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट. डगआउट एक जगह होती है सोल्जर्स की जहां वो होल बना के वहां रहते हैं. इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट. वो साइलेंट नाइट के बारे में गा रहे होते हैं. Our boys gave them a rousing chorus of wild क्योंकि इनका दिन बहुत ही अच्छा गया है और वो ये टाइम कभी भी नहीं भूलेंगे. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing
बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। जिम अपनी वाइफ को बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्रिसमस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टूगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। वो बोलते हैं जैसा आज हुआ वैसा ही फ्यूचर में हम सब साथ रहेंगे और मैं इस बात में श्योर हूँ। यहाँ वो लेटर खत्म करते हैं और लिखते हैं योर लविंग जिम। अब आपको नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैड रिटन द लेटर, टू हूम एंड व्हेन? जिम मैकपर्सन, अ कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी, हैड रिटन दैट लेटर डेटेड December 26, 1914 टू हिज वाइफ कॉनी। क्वेश्चन नंबर 2, Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? Answer: The letter described a wonderful event. The two armies, the British and the German, fighting against each other, celebrated Christmas together. Question number 3. What job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? Answer: Before joining the army, Hans played the cello in the orchestra and Jim was a teacher. Question number 4. Had Hans Wolf ever been a Dorset? Why did he say he knew it? Answer: No, Hans had never been to Dorset. He said he knew it because he had read about Dorset in Hardy's novel Far From the Madding Crowd. Question number 5. Do you think Jim McPherson came back from the war? How do you know this? Answer: No, Jim McPherson never came back home from the war. We know this because the letter was found inside a desk. Perhaps his wife Connie had preserved his letter as she knew about this death.